ओके सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी A50 के लेटेस्ट FOTA अपडेट के बारे में। एंड यहाँ पर हमारा अपडेट ऑलरेडी ओपन भी है। एज यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 316 MB की अपडेट फाइल है, जुलाई 2022 का सिक्योरिटी पेज लेवल है। तो इसको इंस्टॉल समझाते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। एज यू कैन सी, इंस्टॉलेशन हो रही है। एंड जहाँ जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो अपडेट है, 316 MB की अपडेट फाइल है, मैंने आपको दिखा दिया। एंड अपडेट कैसा है उसके बारे में बात की जाए तो अपडेट का जो रिस्पॉन्स है वो मिक्स है। कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग ठीक ठाक मतलब कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव है बैटरी के ऊपर, यानी कि बैटरी बैकअप आपको इतना अच्छे देखने को नहीं मिलता है अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में। तो यहाँ तो मैं आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर, खुद के स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि फिर हमें जो है क्या इम्प्रूवमेंट फील होता है। अभी इसको अपडेट को इंस्टॉल होने देते हैं, इन्हें इंस्टॉल होने के बाद में मिलते हैं। तो स्मार्टफोन जो है हमारा अपडेट हो चुका है एंड इसका फाइनल प्रोसेस भी चल रहा है, यू कैन सी हियर। बस प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारा DSLR आई डोंट नो व्हाई, बट उसकी जो चिप है खो गई है और उसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। अदरवाइज आपको जो क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच मिलती, बट कोई बात नहीं, अभी आप काम चला लो। स्मार्टफोन से हम कोड करके आपको दे रहे हैं। यहाँ पर हम जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट एंड लास्ट अपडेट अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, तो हम जाते हैं अबाउट डिवाइस में, लेट मी जस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, नीचे जाते हैं। 1 जुलाई 2022 का मैं सिक्योरिटी पहले देखने को मिल जाता है, 1 UI 3.1 एंड एंड्रॉयड 11 बेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। बैक कर देते हैं, ये मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको जो है IMEI नंबर ना दिखे एंड हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दिखे। यार सैमसंग को जो है थोड़ा सा हाइड करना चाहिए, मतलब पूरा एक्सपोज रहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, IMEI नंबर हो या फिर हमारे स्मार्टफोन का फ़ोन नंबर हो। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी छिपनी चाहिए। बाकी बात की जाए यहाँ पर डिवाइस के कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि सैमसंग ने बैटरी के अंदर आई डोंट नो व्हाई, मतलब कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमें थोड़ी सी यू नो के बैटरी एरर्स आ रहे हैं, मतलब बैटरी ज़्यादा फास्ट ड्रेन हो रही है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये काफ़ी मतलब सही चीज़ नहीं है और ये इससे जो है आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। एक्चुअल में ख़राब हो गया है क्योंकि ये जो एरर है सैमसंग के काफ़ी सारे यूज़र्स को, A50 यूज़र्स को आ चुका है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये प्रॉब्लम आई है नहीं आई है। इसके अलावा जुलाई 2022 का सिक्योरिटी पे लेवल तो हमें देखने को मिल ही जाता है सैमसंग के गैलेक्सी A50 के अंदर। एंड ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया है, बैटरी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट था जिसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ा है A50 पे। तो अगर आपने अपडेट नहीं कराया तो फिर आप अपडेट मत करना। बाकी हीटिंग इश्यूज हमारा वही नॉर्मल पहले की तरह, मतलब नीचे रखा हुआ था फर्श पर, टाइल्स पर, एंड यहाँ पर टाइल्स पर भी आप देखोगे, मतलब देखना क्या यहाँ से हीट फील हो रही है। इसके अलावा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वार्म फील हो रहा है, ऑल्दो एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, यहाँ से आगे से तो बहुत ज़्यादा है, पीछे से फिर भी कम है, आगे से बहुत ज़्यादा। क्यों होता है मैंने तो समझता, बाहर इतना हीट क्यों होता है, कोई स्मार्टफोन इतना हीट नहीं होता नॉर्मली यूज़ करने में। और इसका फिंगरप्रिंट तो खैर मेरा काम ही नहीं करता, मुझे तो अच्छा लगता है तो मेरा ख़राब है फिंगरप्रिंट, नहीं हो सकता है सैमसंग A50 का ही ऐसा है कि लताड़ है। खैर ये था आज के इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो खींचते नहीं है, मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो सारी।